नमस्कार, लखनऊ के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आप ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने की रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, न्यूज को बिना स्किप किए न्यूज के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये खबर आपके लिए हो सकता है बेहद खास। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की ताजा खबर। अब तक की सबसे बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही भाजपा। पन्ना प्रमुख को खास जिम्मेदारी। जी हां, जिला पंचायत चुनाव में हर मतदान बूथ के एक एक मतदाता पर भाजपा के पन्ना प्रमुख की नजर रहेगी। इनके जरिए पंचायत चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज भी होगा। भाजपा ने जिला पंचायतों में जीत के लिए हर स्तर पर रणनीति तैयार की है। बूथ जीता तो सब जीता की रणनीति के आधार पर हर बूथ पर 10 से 15 पन्ना प्रमुख तैनात किए जाएंगे। हर मतदान बूथ की मतदाता सूची को पन्ना प्रमुख में बांटा जाएगा। पन्ना प्रमुख को अपनी सूची में शामिल मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें भाजपा के समर्थन में मतदान करने के लिए तैयार करना होगा। अगर कोई मतदाता नाराज है तो नाराजगी का कारण पता कर बूथ अध्यक्ष के जरिए पार्टी को सूचित करना होगा। यही नहीं, मतदान के दिन पन्ना प्रमुख अपने सूची के मतदाताओं को लाकर मतदान कराएंगे, बाद में इसकी रिपोर्ट बूथ अध्यक्ष को देंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने पन्ना प्रमुख का प्रयोग किया था, जो सफल रहा था। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में पन्ना प्रमुख से जो फीडबैक मिलेगा वह विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति बनाने में काम आएगा। पंचायत चुनाव, पिछले 25 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहा तो इस बार लाभ नहीं। जी हां, पिछले 25 वर्षों से अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र रहे पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन क्षेत्रों में इस बार इन जातियों के लिए आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा। यही व्यवस्था एससी एसटी के लिए आरक्षित रहे क्षेत्रों में भी लागू रहेगी। इस संबंध में जल्द ही शासन के निर्देश जारी हो सकते हैं। पंचायत चुनाव के निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण के लिए तैयार प्रस्तावित फॉर्मूले के मुताबिक ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्डों की गणना पहले से तय फॉर्मूले के अनुसार डीएम के स्तर से ही की जाएगी। जिला पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन के आरक्षण में चक्रानुक्रम लागू किया जाएगा। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति, 6 करोड़ की सड़कों व पुलों का करेंगी लोकार्पण व शिलान्यास। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को सड़क मार्ग से एक दिवसीय दौरे पर अमेठी के परदेशपुर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री यहां स्वर भारतीय विद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनने वाली 6.46 करोड़ की सड़कों और पुल का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेश पासी, विधायक दल बहादुर कोरी, डी प्रमुख उदय विक्रम व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अमेठी में किशोरी के साथ दुष्कर्म, परिजनों की शिकायत पर हुआ केस दर्ज। जी हां, अमेठी जिले में बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम सिवान की तरफ गई किशोरी से घात लगाए बैठक युवक ने दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ दुष्कर्मों व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी बुधवार शाम सिवान की तरफ गई थी। सिवान में उसके पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे गाँव के ही जमुना प्रसाद विश्वकर्मा ने उसे पकड़ लिया। किशोरी शोर न मचा पाए, इसके लिए जमुना ने उसका मुंह बंद कर आवाज निकालने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी को धमकाने के बाद जमुना ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी किशोरी को धमकाते हुए भाग निकला। आरोपी के भाग जाने के बाद घर पहुंची किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और जमुना के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई। लखनऊ में प्रमुख सचिव के व्यवहार से नाराज अफसरों ने खोला मोर्चा, समाज कल्याण मंत्री से किया गया शिकायत। जी हां, प्रमुख सचिव बीएल मीना के कथित खराब व्यवहार से नाराज समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी ने बुधवार को विभागीय मंत्री रामपति शास्त्री व मुख्य सचिव आर के तिवारी से मुलाकात कर इसकी शिकायत की। इस दौरान निदेशालय के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रमुख सचिव मीना ने बुधवार को निदेशक बालकृष्ण व अन्य अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुलाया था।
आरोप है कि जब ये अधिकारी पहुंचे तो उन्हें देखते ही मीना भी पड़े। छात्रवृत्ति संबंधी मामले में ठीक से काम न करने की बात कही उन्होंने निदेशक समेत सभी अफसरों को दफ्तर दफा हो जाने को कह दिया था। जी हाँ, मामला इतना बढ़ा कि सभी अधिकारी प्रमुख सचिव के दफ्तर से बाहर आ गए और निदेशालय में बैठकर तय किया कि रोज रोज ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद सभी अफसर समाज कल्याण मंत्री से मिले, उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद अफसरों ने उनकी बात मुख्य सचिव के सामने रखी। लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने गैंगवार के मुख्तार अंसारी के करीबी पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर किया गया हत्या। जी हां, लखनऊ में विभूति खंड स्थित भीड़ भरे कठोता पुलिस चौकी के सामने बुधवार रात गैंगवार में मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान उनके परिचित मोहर सिंह के पैर में भी 3 गोलियां लगी। ताबड़तोड़ चली गोलियों की जद में आने से वहां से गुजर रहा फूड डिलीवरी बॉय भी घायल हो गया है। अजीत बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी व जियनपुर के विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड का गवाह था। अजीत सिंह का गैंग मऊ जिले में रजिस्टर्ड है। इसका मेन शूटर मोहर सिंह है। अख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग के रूप में गैंग रजिस्टर्ड है। पुलिस के अनुसार अजीत को 8 से 10 गोलियां लगी है। पुलिस मामले में मोहर सिंह को भी संदेशे के घेरे में रखे हैं। 19 साल से अवैध रूप से भारतीय बनकर रह रहा था गिरफ्तार रोहिंग्या अजीजुल हक। जी हां, यूपी एटीएस की अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज बनाकर संत कबीर नगर के खलीलाबाद में रह रहे वर्मा के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम अजीजुल हक है। वह पहचान बदल कर न सिर्फ यहाँ रह रहा था बल्कि फर्जी तरीके से ओरिजिनल दस्तावेज भी बनवा लिए थे। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अजीजुल हक के बारे में यूपी एटीएस को अहम जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस ने योजना बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अंबेडकर नगर दोहरी हत्याकांड में एडीओ पंचायत समेत 4 निलंबित। जी हां, अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मल्लूपुर मजगामा गाँव में 2 दिन पहले सारी राह हुई सगे भाइयों की हत्या में लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन एडीओ पंचायत व 2 सेक्रेटरी समेत 1 लेखापाल को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में बढ़ते अपराधों पर यूपी डीजीपी ने दिखाई नाराजगी। अफसरों संग 2 घंटे चली समीक्षा बैठक। जी हां, राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों में हुई 2 गैंगवार और लगातार बढ़ते अपराधों पर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने नाराजगी दिखाई है। उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और विभूति खंड के अजीत सिंह हत्याकांड में जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए। जी हां, बैठक में लखनऊ पुलिस कमिश्नर के साथ ज्वाइंट सीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा भी शामिल हुए। बैठक में ठाकुरगंज में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, विभूति खंड में रिटायर्ड अधिकारी के घर डकैती, विकास नगर में बद्री शराब के मालिक पर फायरिंग की घटनाओं पर डीजीपी ने अफसरों के जवाब तलब किया। उन्होंने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही लापरवाही पुलिस कर्मियों को हटाने के भी आदेश दिए। सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर की गई थी हिमेश की हत्या। जी हां, हिमेश मर्डर केस इन लखनऊ का अब तक का सबसे बड़ी खबर। जी हां, महिलाबाद के कुसभरी गांव में मंगलवार सुबह घर के अंदर मृत मिले हिमेश की हत्या की गई थी। हत्यारों ने सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या की थी। यह पुष्टि बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। इसके अलावा जाँच के लिए बिसरा भी सुरक्षित किया गया है। पुलिस अब हिमेश की हत्या के मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई अन्य बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।